एकदम तमतमाता हुआ आया कांस्टेबल और मुझे कहने लगे कि तुम्हें इशारा किया था वहाँ क्यों नहीं रुके। तो मैंने कहा कि साहब जहाँ जगह होगी मैं वहीं रुकूँगा। तो उस पर गाली गलौज करने लगे, बोले इक्कीस तारीख को मैं शाम को 4-4:30 बजे के बीच में जब वापस मेरे मित्रों जो बॉम्बे से आए थे उनको ज़्यारत करा के वापस मैं जब निकल रहा था तो गंज तिराए पे एक कांस्टेबल और एक हेड कांस्टेबल ने मुझे रोकने का इशारा किया, क्योंकि वहाँ जगह कंजेस्टेड थी। मैं थोड़ा सा आगे जा कर के रुका तो उस पर वो एकदम तमतमाता हुआ आया कांस्टेबल और मुझे कहने लगे कि तुम्हें इशारा किया था वहाँ क्यों नहीं रुके। तो मैंने कहा कि साहब जहाँ जगह होगी मैं वहीं रुकूँगा। तो उस पर गाली गलौज करने लगे, बोले तू इधर निकल, बाहर निकल गाड़ी से, ये वो। तो मैंने अपना परिचय भी दिया कि भैया मैं लोकल हूँ, आप बाहर की गाड़ी देख करके ये ना समझे कि बाहर के लोग हैं, मैं तो यहाँ का व्यक्तिगत लोकल आदमी हूँ और जिलाध्यक्ष भी हूँ भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चे से। तो बोलने लगे, बोले होगा तू जिलाध्यक्ष जो भी है और तेरे को हम छोड़ेंगे नहीं यहाँ पे, तू इस तरीके से रुका क्यों नहीं। बहुत अभद्रता, मैं बता भी नहीं सकता आपको किस लैंग्वेज में उन्होंने मुझसे बातें करी है और कितना मेरे साथ गाली गलौज की है। मेरे को बहुत आघात लगा है इस बात से और मैं आज आईजी मैडम के पास भी जाके आया हूँ। अभी उन्होंने मुझे बहुत आश्वासित किया है, मैं एसपी साहब के पास भी आया हूँ, एसपी साहब को भी मैंने ज्ञापन दिया है कि इन लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई कर मुझे राहत दी जाए।